नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। शादी वाले घर में नशीली दवा का छिड़काव कर चोरी, घर में मौजूद 25 लोगों को किया बेहोश, 50,000 नकद और सोने चांदी के गहने पार। कोरबा जिले के ग्राम भिलाई खुर्द में शादी वाले घर में नशीली दवा का छिड़काव कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घर में मौजूद करीब 25 लोगों को बेहोश कर आरोपियों ने 50,000 रुपए नकद, सोने चांदी के गहने और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। जब लोगों को होश आया तो वे घर का सामान गायब देखकर सन रह गए। मामला उर्गा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भिलाई खुर्द गांव में संजय पटेल के छोटे भाई प्रमोद पटेल की शादी थी। 10 मई को ग्राम करमंदी में बारात गई हुई थी। शादी के बाद 11 मई को दूल्हा दुल्हन और बाराती वापस गांव लौट आए। शादी की थकावट के बाद सभी गहरी नींद में सोए थे। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपियों ने नशीली दवा का बड़ी मात्रा में छिड़काव कर दिया ताकि चोरी के दौरान किसी भी व्यक्ति की नींद नहीं खुले। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। 12 मई शुक्रवार को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का भी आयोजन होना था, जो चोरी की घटना के कारण प्रभावित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और परिवार के लोगों का बयान दर्ज किया। घर में मौजूद लोगों ने बताया कि उनके यहाँ शादी समारोह की शुरुआत 7 मई से हुई थी, जिसके लिए रिश्तेदार भी आए हुए थे। 11 मई को ही बहू को विदा कराकर घर लाया गया था। देर तक जागने के कारण सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की। चोरों ने कुल मिलाकर 1,00,000 के माल पर हाथ साफ किया है। घर वालों ने पुलिस को ये भी बताया कि जब वे सुबह उठे तो उनके सिर में दर्द था और आंखों में तेज जलन हो रही थी। उर्गा थाना प्रभारी तेज कुमार यादव ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि क्लोरोफॉर्म का छिड़काव करके घर के लोगों को बेहोश किया गया होगा। मामले की जांच चल रही है। पुलिस को ये भी आशंका है कि वारदात में कोई जान पहचान वाला शख्स ही शामिल होगा। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।